पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में एक भाजपा नेता ने नगर निगम का 14 बीघे का तालाब पाट दिया। पिछले कई दिनों से डंपर से इस तालाब के किनारे मिट्टी उतारी जा रही थी। देर शाम यहां जेसीबी लगाकर मिट्टी से तालाब को पाट दिया गया। तालाब का बमुश्किल 20% हिस्सा ही बाकी बचा है, बाकी हिस्से को मिट्टी से पाट कर समतल कर दिया गया। लाकड़ी बाईपास में लाकड़ी का मजरा के रकबे में ये तालाब है। आसपास के कुछ निर्यातकों ने बताया कि तालाब पर शाम को करीब 6 बजे जेसीबी लगाई गई। पहले से तालाब किनारे उतारी गई मिट्टी को तालाब में खींचकर 14 में से करीब 10 बीघा तालाब को समतल कर दिया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से भाजपा नेता की नजरें इस तालाब पर गड़ी थी। धीरे धीरे करके वो यहाँ डंपर से मिट्टी डलवा रहा था। तालाब के आसपास एक्सपोर्ट फैक्ट्री है। लोगों ने बताया कि तालाब करीब 100 साल भी पुराना है, लेकिन अब इसे पाटा जा रहा है। तालाब को सरेआम पाटे जाने के बावजूद नगर निगम या प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा था। कब्जा की जा रही जमीन की कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है। लांकड़ी फाजलपुर बाईपास इलाके में दर्जनों तालाब थे, लेकिन इसी तरह उन पर धीरे धीरे कब्जे होते चले गए। नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत और समय समय पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने इन तालाबों को बेच डाला। कई तालाबों को पाट कर उन पर निर्यात फैक्ट्रियां खड़ी कर ली गईं, लेकिन प्रशासन की ओर से इनमें से किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के तालाबों के संरक्षण के आदेशों के बावजूद मुरादाबाद जिला प्रशासन तालाबों को बचाने में नाकाम रहा। 14 बीघा तालाब के 80% हिस्से को मिट्टी डालने के बाद जेसीबी से प्लेन कर दिया गया। तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में मझूला पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी और थाने के अहम ओहदेदारों पर खेल में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते भैया निश्चित दिन है, लेकिन अभी जल्दी में पड़ी है। तो अब हम तो एक करीब करीब 20-25 दिन बाद लौटे घर थे, अपने गांव गए थे। फिर क्या देखा? तब तो यहाँ पर कोई मट्टी हमारे नहीं थी। अच्छा, ये अभी पड़ी है? जी अभी पड़ी। हाँ, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।